वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है साइंस क्लास 4 की। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया है इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी की टाइप है। मतलब कि किसी भी चीज़ में जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाटर के फ्लो से प्रोड्यूस करते हैं। पानी ऊंचाई से जब नीचे की सतह पे गिरता है ना, स्पीड से गिरता है और उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी से हम क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किसकी टाइप है, एक एनर्जी की टाइप है। इट इज़ क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा, ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है, ये जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में मूव करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, अगर इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में मूव कर रहा है या फिर अपने शेल में ही उसकी रोटेशन है, तो उसको हम उससे क्या प्रोड्यूस होगी, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रॉन्स आर इनसाइड एटम्स, कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पर मौजूद होते हैं, एटम्स के इनसाइड, एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं। यू लर्न अ लिटिल बिट अबाउट एटम ऑन पेज नंबर 42। हम लोगों ने मैटर और मटीरियल वाला जो हमारे पास चैप्टर था, वो पेज नंबर 42 पे हम लोगों ने इसके बारे में कुछ पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद हो, गो थ्रू करें, आप पिछले चैप्टर पर जाएँ तो आपको याद आ जाएगा। बट टू अंडरस्टूड इलेक्ट्रिसिटी यू नीड टू नो मोर, कहते हैं अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है तो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना पड़ेगा। अच्छा, हम लोगों ने जो पिछला जो 42 पे हमने वो ये पढ़ा था कि हमारे पास, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें बताया था कि एटम के का स्ट्रक्चर क्या होता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है लिखा हुआ है। न्यूक्लियस किस चीज़ से बना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है न्यूक्लियस। और इसके आउटसाइड पे जो ऑर्बिट होते हैं वो क्या चीज़ रिवॉल्व कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड द मिडल ऑफ एटम इन द सेम वे दैट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम ऑर्बिट अराउंड द सन। कहते हैं सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द, या जितने भी सियारे जो हैं वो सूरज के, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही। ठीक है, आप इस टॉपिक को पढ़ें और आप इस पेज नंबर 42 को एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करें, और फिर हम लोग इसको आगे फर्दर मैं आपको पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह कल के टॉपिक में, कल के लेक्चर में। ओके, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रीड करना है।